हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सीए कविता। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। गाइस, आज हम देखेंगे कि जीएसटी पोर्टल पर अगर आपको नया पार्टनर या नया डायरेक्टर ऐड करना है तो आप किस तरीके से ऐड करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको यूजर नेम और पासवर्ड डाल के यहाँ से लॉग इन कर लेना है, और लॉग इन करने के बाद आपके पास ये जो साइट है ओपन हो जाएगी। इस साइट के ओपन होने के बाद आप क्या करेंगे, आप लोग यहाँ से सर्विसेज पे जाएंगे। यहाँ जाने के बाद आपने रजिस्ट्रेशन पे जाके ऐड करना है, यहाँ पे क्या अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन कोर फील्ड्स, यहाँ जाके आपने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपके पास ये क्या कह रहा है, यूजर सर्विसेज के अंदर माय सेव्ड एप्लीकेशन पे जाइए। देखिए, यूजर सर्विसेज पे हम कहाँ गए, माय सेव्ड एप्लीकेशंस में। सेव्ड एप्लीकेशंस में आपको यहाँ पे देखिए कोर फील्ड्स, यहाँ पे जो कोर फील्ड वाली एप्लीकेशन आई है आपने इसको एडिट कर लेना है। क्लियर? मैंने अपनी एप्लीकेशन को ऑलरेडी एडिट किया हुआ है। वैसे यहाँ पे आपके पास ये जो ऑप्शन है इसमें आपने कोई चेंजेस नहीं करने, या आप सेव एंड कंटिन्यू कर लेंगे। यहाँ पे आपके जो ओरिजिनल पार्टनर्स हैं ये आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, ओरिजिनल पार्टनर्स आपके दिखाई देंगे, और जो नए पार्टनर्स हैं ऐड न्यू करके। देखिए, अगर मैं इसमें ऐड न्यू करती हूँ तो यहाँ पे इसका नाम और जितना फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, और ये एड्रेस की लोकेशन भी आपके पास, ये देखिए ये नया पॉइंट आया है, या एड्रेस की लोकेशन आपको लोकेट करनी पड़ेगी। वैसे यहाँ पे जब एड्रेस आप डालेंगे पर्टिकुलर एग्जैक्ट एड्रेस, तो ये अपने आप यहाँ पे लोकेशन को ट्रैक कर लेगा। ठीक है जी, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बोर्ड रिजोल्यूशन भी लगाना है। ठीक है, बोर्ड रिजोल्यूशन में लिखा होना चाहिए स्पेसिफिकली कि हम फलाना जो पार्टनर है या फिर डायरेक्टर है उसको हम अपॉइंट करना चाह रहे हैं, और हम सब एग्रीड है उसको अपॉइंट करने के लिए। रीजन यहाँ आप डालेंगे, और डेट ऑफ अमेंडमेंट डाल के यहाँ पे आप सेव कर देंगे। इस तरीके से मैंने जो तीनों अपने डायरेक्टर्स हैं ये ऐड कर लिए हैं। अब इसको मैं क्या करूंगी, कंटिन्यू कर लूंगी। ठीक है, ये आपके पास आ गया। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे क्या करेंगे, अपलोड कर लेंगे प्रीमाइसिस के। लेकिन ऑलरेडी अगर आपने अपलोड किए हुए हैं तो दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट हम करेंगे सेव एंड कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू। और इसके बाद यहाँ पे आपने क्या करना है, वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप प्लेस एंटर करेंगे। ठीक है जी, प्लेस एंटर करके आपने क्या करना है, ईवीसी से या डीएससी से, जो भी आपके केस में एप्लीकेबल है आप उससे क्या करेंगे, वेरिफिकेशन कर लेंगे। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा।